देखिए उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की चेतावनी है। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। आज उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 7 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 8-10 लोगों की रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि पानी पूरे टीम को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां कालिका बजानी नदी में राजेंद्र नामक युवक नदी के तेज बहाव में फंस गया था, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने युवक का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पहाड़ी राज्यों में मौसम की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ सैलाब सितम धा रहा है तो दूसरी तरफ भूस्खलन से लोग मुसीबत में हैं। तस्वीरें रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां भूस्खलन के बाद रास्ते पर मलबा जमा हो गया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बात महाराष्ट्र की, जहां जलगांव में बांध से पानी छोड़ने जाने की वजह से कुछ लोग सैलाब में फंस गए। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां रावेर तालुका में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए SDRF को बुलाना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, अंधेरा होने की वजह से तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए SDRF की टीम अंधेरे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एक एक कर सैलाब में फंसे सभी लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया। पानी का बहाव काफी तेज होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। बताया जा रहा है कि जलगांव के रोवेर तालुका में ओवरफ्लो होने से डैम का पानी छोड़ा गया। इस दौरान सूखी नदी में अचानक उफान आ गया और 9 पर्यटक नदी के बीच फंस गए। कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर ये लोग मदद की गुहार लगाने लगे, जिसके बाद SDRF को बुलाना पड़ा और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। सैलाब से जंग जीत कर लोग बाहर निकले तो खुशी के साथ साथ इनके चेहरे पर सैलाब का खौफनाक मंजर भी साफ दिख रहा था। महाराष्ट्र के बाद अब बात ओडिशा की, जहां के हीराकुंड बांध से पानी छोड़े जाने के बाद 12 जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। महानदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। ये उफनती लहरें किसी समंदर के नहीं बल्कि ओडिशा के हीराकुंड डैम की है। सोमवार को हीराकुंड डैम के स्लुइस गेट से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। बारिश की वजह से हीराकुंड डैम लबालब भर चुका है, लिहाजा उसको कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों ने सोमवार को डैम का 7 नंबर गेट खोल दिया। डैम से छोड़ा गया पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे महानदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन संबलपुर समेत आसपास के 12 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रशासन ने मछुआरों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। अगर बारिश हुई तो डैम से दोबारा पानी छोड़ना पड़ेगा, ऐसे में आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अब बात राजस्थान की, देखिए राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश के बाद अंडरपास में कार डूब गई और फिर क्या हुआ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अंडरपास में भरे पानी के बीच सफेद रंग की कार पानी में डूब गई। पानी में डूबी कार की बस छत ही कैमरे में नजर आ रही है। तस्वीर से अंडरपास में भरे पानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां अंडरपास में भरे पानी में ये कार डूबने लगी तो कार सवार लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, लेकिन कार पानी में डूब गई। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां बारिश की वजह से अंडरपास में भरे पानी की वजह से यात्रियों से भरी बस फंस गई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में
जिस वक्त बस पानी से भरे अंडरपास के नीचे फंसी थी तब बस में करीब 20 यात्री सवार थे। आसपास के लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली लोग तुरंत क्रेन लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बस को क्रेन की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। बदलते शहर के साथ समस्या की एक सी तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रही है। राजस्थान की बूंदी में नदी में बहने से दो लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बाहर निकाला गया। नदी की उफनती लहरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोताखोर नदी में शव डंडे और डुबकी लगाकर शवों की तलाश में जुटे हैं। दूसरी तरफ एसडीआरएफ के कर्मचारी बोट लेकर लोगों की तलाश में जुटे हैं। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की है, जहां बारिश के बाद उफनती कुरेल नदी में दो लोग बह गए थे, जिसके बाद बचाव दल के कर्मचारियों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर दो लोगों के शव बरामद किए। दोनों शख्स की पहचान अनिल मीणा और सत्य नारायण के तौर पर हुई है। इस सर्च ऑपरेशन में करीब 12 घंटे का वक्त लगा। तो देश के अलग अलग हिस्से जलप्रलय से परेशानी में हैं, तो वहीं मौसम की मार से महाशक्ति अमेरिका भी बेहाल है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं न्यूयॉर्क से, जहां अचानक आए आंधी तूफान और बारिश की वजह से न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स में सड़क धस गई और एक गाड़ी सड़क पर बने गड्ढे में समा गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा बन गया है, बहुत गहरा गड्ढा, और एक गाड़ी इस गड्ढे में समा गई। देखिए धड़ाम से गाड़ी इस गड्ढे के अंदर समा जाती है और एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल किनारे पर इस गड्ढे के नजर आ रही है। सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा बन गया और साथ ही मेट्रो स्टेशन तक में पानी घुस गया। ये भारत के किसी ग्रामीण इलाके की तस्वीर नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क का हाल है जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो न्यूयॉर्क की सड़क पर भी बीचों बीच ये गड्ढा बन गया, गहरा गड्ढा, और एक गाड़ी इस गड्ढे में समा जाती है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं और इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है और आसपास गाड़ियों के साइरन भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। देखिए किस तरीके से गाड़ी दरकते दरकते इस गड्ढे के अंदर समा जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा अहमदाबाद की एक सड़क का भी ऐसा ही हाल आपको दिखाया था हमने, और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का हाल है। महाशक्ति पर मौसम की मार, अमेरिका भी बेहाल नजर आ रहा है। और यहाँ भी देखिए सड़क के बीचों बीच गड्ढा और गड्ढे में समा गई गाड़ी। आप गिरी हुई गाड़ी को तस्वीर देख सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं किस तरह दरख्त दरख्त सड़क के अंदर ये गाड़ी समा जाती है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, गड्ढे में समा गई कार और मेट्रो स्टेशन के अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का हाल आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जहां महाशक्ति भी मौसम की मार से बेहाल है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर गड्ढा हो गया, गड्ढे के अंदर गाड़ी समा गई और मेट्रो स्टेशन के अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो लगातार मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी बरसता हुआ आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का हाल है। तो महाशक्ति सुपर पावर अमेरिका भी मौसम की इस मार के आगे लाचार फिलहाल नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इससे पहले हमने आपको दिखाया था, याद होगा आपको, कि स्मार्ट सिटी अहमदाबाद में किस तरह मेट्रोपिलर के नजदीक सड़क में गड्ढा हो गया था। और यहां देखिए ये न्यूयॉर्क की सड़क है जिसकी क्वालिटी की बात कही जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और यहां भी सड़क में गड्ढा हो गया, गड्ढे में कार समा गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।